नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो आज हम क्वेश्चन पेपर करेंगे प्रीवी सर कौन सी का किसका है, ये है HP पुलिस का प्रीवी सर का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर 2017 का है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था इंग्लिश के, देखेंगे कि हाउ इज यू नो वेल एनफ व्हाट आई मीन। इसमें क्या है हमारा, इसमें आएगा हमारा एडजेक्टिव एडवर्ब एनफ क्या आएगा, ठीक है। पूछा इन्होंने क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें कुछ डायरेक्शन दिया इन्होंने कि दूसरे तीसरे क्वेश्चन है, ठीक है। बिलो अ सेंटेंस विद फोर वर्ड्स प्रिंटेड इन द टाइप इज गिवन, ठीक है। ABCD दिए होंगे तो उसमें हमने देखना है इसमें क्या आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हिज बिहेवियर कंपेल्ड मी टू गिव मी अ पीस ऑफ माई माइंड, तो इसमें क्या आएगा। स्कोल्ड हिम को मतलब इसको डांटा। नेक्स्ट है इन ब्लैक और वाइट, इसका मतलब क्या है। इन राइटिंग, ठीक है, इन ब्लैक एंड वाइट इडियम से ये इसका आएगा इन राइटिंग। नेक्स्ट है, चलिए इसमें हमने करेक्ट स्टैंड निकालना है। इसमें हमने कि पब्लिक डिक्लेरेशन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी रूलर एट्सेट्रा और प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मैनिफेस्टो, ठीक है। मैनिफेस्टो निकालती है हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, रूलर होता है। नेक्स्ट है कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ सेम टाइम, तो हम कहेंगे पॉली एंड्री और ज़्यादा वाइफ्स की होंगी तो आएगा पॉली गैमी। नेक्स्ट है चूज द वर्ड फ्रेज विच इज़ द मोस्ट सुटेबल अपोजिट मीनिंग। एस्टेब्लिश्ड मतलब न्यू, नया नया एस्टेब्लिश्ड हुआ मतलब नया नया बना। नेक्स्ट है एफ्लुएंट अपोजिट टीम, इसका मतलब निकालना है हमने एफ्लुएंट, तो इसका आएगा यूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टुनाइट्स गेम वाज डैश बिकॉज ऑफ द रेन, तो उसमें क्या बोलेंगे हम। कॉल्ड ऑफ आएगा इसमें, ठीक है, किसको बंद करवा दिया। नेक्स्ट है डैश हैविंग वर्कड रियली हार्ड इन ऑफिस बिकॉज डिड नॉट गेट द मच एक्सपेक्टेड प्रमोशन इन स्पाइट ऑफ आएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड फ्रेज विच इज़ द मोस्ट नियरली सेम इन द मीनिंग टू द फ्रेज, ठीक है। तो प्रीमियम का क्या आएगा, सुपीरियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए इसमें भी सही है वर्ड फ्रेज एग्जॉर्ट का क्या मतलब होता है। एग्जॉर्ट का मतलब होता है एनकरेज करना किसी को। चलिए नेक्स्ट है इट इज़ बेटर टू सीक एडवाइस फ्रॉम ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑन हाउ टू सेव योर बिजनेस, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा सेफ, ठीक है, रॉन्गली स्पेल्ड, ठीक है, अच्छा ठीक है, अलग ही है ये कुछ क्वेश्चन। अगला है ऑन द कंसेक्यूटिव नाइट्स टू ग्रेटेस्ट आइकन्स ऑफ शो बिजनेस वर ऑनर विद द अनप्रेसिडेंटेड अफेक्शन, तो इसमें क्या आएगा आइकन्स, ठीक है। और इसमें करेक्टली स्पेल्ड करना था, इसमें क्वेश्चन में भी गलत सी ठीक है स्पेलिंग दे दी है, ठीक है, हमें इसको वो बताना था कि कहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट आएगा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या बोला इन्होंने, ठीक है ओके। चलिए इनको छोड़ो, ये कुछ अलग ही है। चलिए देखते हैं अशुद्ध वाक्य देखते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध वाक्य क्या, बकरी बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कुसुम का कमल जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। नेक्स्ट है ताप शब्द का विलोम शब्द डैश होता है, तो उसका होता है शीत, ठीक है, ताप होता है गर्मी, शीत होती है ठंड। नेक्स्ट है लकीर का फकीर होना, इसका सही आंसर आएगा परंपरावादी होना। क्रूर शब्द क्या है, अब क्रूर क्या है, सर्वनाम है, विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, तो क्रूर है विशेषण। नेक्स्ट है शांति शब्द का समानार्थक नहीं है, तो इसमें आएगा आकाश, जो सब कुछ जानता है। वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है, सर्वज्ञ। दाता का स्त्रीलिंग क्या है, दात्री। नेक्स्ट देखेंगे उल्लास का संधि विच्छेद के लिए उत्तजमा लाश। नेक्स्ट है जो अच्छे कुल में पैदा होता है वो क्या कहलाता है, कुलीन। नेक्स्ट है वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी, तो भिक्षा दी होगी ना। जीतने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। नेक्स्ट है बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है, बहुभाषाविद। नेक्स्ट है
उत्कृष्ट शब्द का विलोम शब्द क्या आएगा, तो नितकृष्ट आएगा। नेक्स्ट है यथार्थ शब्द का विलोम शब्द क्या है, तो वो है आदर्श। नेक्स्ट है नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो उसमें है बहुत परेशान होना। चलिए अगर रीजनिंग के क्वेश्चन है, अगर पी का अर्थ आर है, यदि पी का अर्थ भाग आर का अर्थ जमा और टी का अर्थ घटाना है, तो उसमें इसको सॉल्व करना है। जो भी ये अल्फ़ाबेट दिए हैं इनमें हम इनके जो साइन दिए हैं वो उनको डालेंगे तो आंसर आएगा 44। नेक्स्ट है अच्छा इसमें अगला बताना हमने, इसमें क्या आएगा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ए बी सी डी ई पी क्यू आर एस टी, तो इसमें आएगा हमारा पी क्यू आर एस टी यू आएगा, सिंपल है। तो नेक्स्ट है सी के बाएँ, अच्छा ये क्वेश्चन दिया कि ए बी सी डी एक गोलाकार में बैठे हुए हैं, मुँह कर मैं देखते दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं, तो डी के बाएँ है, तो ये सर्कल का क्वेश्चन है। चलिए नहीं जाना सर जा सकते क्योंकि एग्जाम्पल जो है ये ऐसे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का आंसर दिया ही होगा, कई बार क्या होता है ना ऐसा आंसर होगा कि उसका क्वेश्चन होगा कि ऐसा उसका आंसर नहीं हो सकता करेक्ट, ठीक है। ये सारे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे ये। चलिए इनका आंसर भी मैं बता देता हूँ, बी आएगा इसमें, इसमें आएगा डी, इसमें आएगा हमारा एफ। चलिए एन एस ई के का अर्थ अंग्रेजी शब्द बनाइए जो एस से शुरू होता हो, तो कितने शब्द बनेंगे, सिंक और स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चलिए अगला है के एन का रिश्ता क्यू टी से वही है जो डी जी का है। चलिए एक बंदी क्वेश्चन क्या था, चलिए अगला देखते हैं, रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की ओर, इसको मैं करवाता हूँ, ठीक है, रोहन जो है उत्तर दिशा की ओर 10 किलोमीटर चला, उत्तर मतलब ठीक है ऊपर की चला 10 किलोमीटर चला, ठीक है, उसके बाद वो अपने बाएं मुड़ा 20 किलोमीटर चला, ठीक है, उसके बाद फिर से वो बाएं मुड़ा, वो 10 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा, उसके बाद वो कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा, तो उसका सही आंसर आएगा हमारा इस तरफ चला वो, तो उसमें आएगा हमारा 25 किलोमीटर, ठीक है 25 किलोमीटर। चार में से तीन एक समान है तथा एक समूह बनाते हैं, तो बाहर क्या है, हीरा, अच्छा ठीक है, इसमें बताना कि अलग क्या है, तो हीरा है इसमें अलग, देखते हैं अगला, इसमें बताना कि अलग क्या है इसमें, तो इसमें आएगा ग्रे कलर, ग्रे कलर जो है वो किन चीज़ों से मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है एन आर ई के कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं, तो इसमें आएंगे दो शब्द ही बनाए जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 311 300 ये दिया है, तो उसमें आगे क्या आएगा, आगे आएगा 80, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सेना का सेना प्रमुख कौन होता है, तो बिपिन रावत है सेना प्रमुख, उस टाइम वो थे लेकिन अब तो चेंज हो गया ना, मनोज मुकुंद नरवणे, अब तो ये बिपिन रावत तो सीडीएस बन गया है ना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ।